मैं सारा की रूह मुखातिब हूँ आपसे अपनी दास्तान अपनी जुबानी बयां करने। हम 11 भाई बहन थे और बहुत ही हंसी खुशी के साथ हमारा बचपन गुजर रहा था, हंसते खेलते लड़ते झगड़ते। देवची में उस वक्त तूफान आया जब अब्बा की नजर में दूसरी औरत चढ़ गई और अब्बा की तो बारात ही निकल गई। इधर अब्बा ने दूसरी शादी की और अम्मा तो बेहाल उठी, क्योंकि मेरे अम्मा और अब्बा ने तो अपनी मर्जी से सारी जिंदगी इकट्ठे चलने का अहद किया था। और एक दिन माँ अपने घर वालों को बताए बगैर ही चुपके से अपने रांझे के साथ हो रही थी और अब रांझा दूसरी शादी कर चुका था। हर काम शौहर की इजाजत से। जी ये कर लूं जी। वो
यानी आप समझिए एक एक रुपया उनकी इजाजत से खर्च किया करती थी। शौहर बहुत ही सख्त किस्म के इंसान थे, घर वाले तो कहते थे तुम्हारा सब कुछ यही है, पर वो कभी मेरा नहीं हुआ। वो सहल ऐसा कि बात बात पर मारे, इतनी गाली गलौच और मार पीट के मेरे जिस्म पर नींद पड़ जाते, जब जी चाहता जानवरों की तरह हम इसलिए करता जैसे मैं कोई रबड़ की गुड़िया हूं। पर ये तो कोई बड़ी बात नहीं, सुनती आई हूं शौहर शायद ऐसा ही होता है, और बीवी बीवी को तो ऐसा होना ही होता है, परमा बरदार। खैर वक्त करता रहा, मैं बुर्का ओढ़े एक बच्चे की उंगली थामे इनको गोद में उठाए घर का सौदा सामान और सब्जी तरकारी खरीदने जाया करती। सब्जी तरकारी कुछ ऐसे खरीदती घर का सामान किसी भी तरह कुछ बचा रहे, और जब मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए तो मैंने 9th क्लास की किताबें ली, और नवी की क्लास पास करने के बाद में शौहर की मार के बावजूद बगावत तक फैमिली प्लानिंग में सर्विस कर दी। अब मैं घर का सारा कामकाज करती, बच्चों को संभालती, खाना पकाती, नौकरी पर जाती, फिर बच्चों को सुला मैट्रिक की तैयारी करती। उसी दौरान मुझे तीसरा बच्चा हुआ, मैं नन्हीस को दूध पिला रही थी एक दिन रात को। पास के कमरे से बहुत तेज चीखने की आवाजें आई, आंटी 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 आंटी। मैं भाग गई, मैंने देखा कि मेरा शौहर जबरदस्ती मेरी भांजी के साथ हमबिस्तरी करने की कोशिश कर रहा है। मैंने फौरन अपनी बच्ची को आगे किया और कहा, तुम यूं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, सोना है तो इसके साथ सो। उसने फिर तो खिसियाए अपनी नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर दहाड़ा, जब कुछ और न सूझा तो बोला, तलाक तलाक। अरे तू इस काबिल कहा कि तुझे हक कर दिया जाए,
और बच्चे, बच्चों की तो मैं तुझे सूरत तक देखने नहीं दूंगा। जल्दी निकल यहां से और उसे धड़ाक से दरवाजा बंद कर दे। मैं चिल्लाती रही, कई बार दरवाजा पीटा, दरवाजा नहीं खुला। मैंने चिल्ला कर कहा, मैं फिर आऊंगी, देखना, मैं अपना हक बहन और बच्चे लेकर रहूंगी। शादी के बाद शौहर ने एक मकान मेरे नाम किया था। वहां इन दिनों बहुत से किराएदार थे। किसी तरह बड़ी मुश्किलों से उसे खाली करवाया और बेच दिया। रकम को हिफाजत से ब्रीफकेस में रखा और फौरन शौहर के शहर का टिकट कटवाया। वहां पहुंची, होटल में कमरा किराए पर लिया और फिर रकम को वहां हिफाजत से रख फिर पहुंची शौहर का दरवाजा खटखटाने। इस बार भी मेरे शौहर ने ही दरवाजा खोला। मुझे देखकर दहाड़ा, तू फिर आ गए हैं? क्या चाहिए तुझे? मैं सौदा करने आया। कैसा सौदा? रकम ले लो और बच्चे ले लो। रकम? मकान बेच दिया? हक महर वसूल हो गई? हाँ, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। कहाँ है रकम? ये यही रखी है। ला रकम दे दो। नहीं, पहले आप बच्चों को बुलाइए। आपने तय किया था ना? ठीक है, बुलाता हूँ। वो अंदर घुड़ा और जैसे ही बाहर आया उसके हाथ में एक राइफल थी। जो बोला, सॉरी कुतिया, चुपचाप रकम मेरे हवाले करते वरना। समझ गई थी उसकी नीयत में खोट है। मैंने उसे फिर कहा, मैं इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम बच्चों को मुझे एक बार देख तो लेने दो। ठीक है, उसने बड़े बेटे को आवाज दी। जैसे ही वो मुड़ा मैं भागी। तो पीछे को मुड़ा, बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ पता भी नहीं था जान सच है। भागती रही, भागती रही, भागती रही, भागती रही। दिल में मैंने कुछ तय किया। मैंने
इल्जाम मैं अपने सर ले लूं तो आखिरी पेशी पर मेरे शौहर ने कहा, जज साहब मेरी बीवी बच्चलन में आवारा है, गैर मर्दों के साथ तस्वीरें खिंचवाती है, और बच्चे बच्चे तो इससे बात तक नहीं करते, नफरत करते हैं इसको, इसको तो कभी अम्मी तक नहीं कहते बच्चे। जज ने मुझे मैं आप देने के लिए कहा। जज साहब ये शख्स बिल्कुल सच कह रहा है, मैं बच्चलन हूं, आवारा हूं और बदकिरदार भी, इसलिए कबूल करती हूं कि बच्चे इस शख्स के नहीं, इन बच्चों का असल बाप कोई और है, और अदालत मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं इन बच्चों को उनके असल बाप तक पहुंचा सकूं। अदालत का फैसला मेरे हाथ में हुआ, बच्चे मुझे मिल गए, हाँ मैं अपने शहर लौट आई, बच्चों को हमारे स्कूल में दाखिला करवा दिया और मीना बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल ली, नौकरी भी करती रही, जिंदगी तो चल पड़ी थी। पेश होते
चांद को देखा करती, सोचती कि आधा चांद कहाँ छुप जाए। दिन में घड़ी के टिक टिक मुझे मुर्दा करती, रात को हर करवट पर खाली चादर ही याद, हर करवट पर खाली चादर ही याद। अरे और
Don't
ज्यादा दर्द है। मैं खून से सने कपड़ों में लथपथ दर्द से कराहती हुई उस नशिस्त में जा पहुंची। शौहर साहब, एक मैयत वहां अस्पताल के वार्ड में भी पड़ी है, 295 रुपए में गिरी, आपके 7 महीने के बच्चे की, उसे भी कफन किया, दोनों जमीन की दरकार है। शौहर साहब, उसे भी कफन किया, दोनों जमीन की दरकार है। तारुफ करवाते हुए बोले, हाँ, इनसे मिलिए,
ये है हमारी बेगम सारा शगुफ्ता, और आजकल तो ये भी शेर कहने लगी है। कुछ इधर उधर की बातें हुई, हंसी मजाक, और फिर वो शायर जनाब भी अक्सर हमारे घर मुकाबलेबाजी में शरीक होने लगे। हालांकि मैंने उन्हें कभी कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन मेरी एक दोस्त थी, वो उन हजरत की निगाह भाग गई, कहने लगी, सारा क्या बात है, ये शायर जनाब तो तुम्हें बड़ी हसरत भरी निगाह से देखते हैं। मैं भी मूड में थी, मैंने भी शोक अंदाज में कहा, हाँ ये शायर खूबसूरत है, स्मार्ट है, अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी अदाओं के तो कहने ही क्या, जहां से गुजरते हैं लोग यूं ही मुड़ मुड़ के देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम दोनों ने मिलकर खूब ठहाके लगाए और बात आई गई हो गई। एक रोज शायर जनाब ने मुझे, मैं कुछ घर में काम कर रही थी कि बैठक खाने से आवाज थी, मैं गई, देखा वहां मेरे शौहर साहब हैं, उनके एक दोस्त शायर बैठे हैं और कुछ और लोग भी मौजूद थे। मैं कुर्सी पर बैठी ही थी कि मेरे शौहर ने कुरान शरीफ मेरे हाथ में दे दिया। मैंने कहा, माजरा क्या है? उम्मीद है तुम सच बोलोगी। अरे मैं तो वैसे भी सच ही बोलती। तुमने अपने दोस्त से कहा था कि शायर जनाब अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, तुम्हें अच्छे लगते हैं। हाँ कहा था। ठीक है तो फिर रहो इन्हीं के साथ, मैंने तुम्हें तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। क्या क्या कहा तुमने? तमाशा देख रही थी और मैं सुन रही थी। पहले तो सबके सामने हुई इस बेइज्जती से मैं बेहद शर्मसार हुई, फिर मैं गुस्से से कांपने लगी। मैंने कहा, कलामबाद मेरे हाथ में आ शौहर साहब, इसका हवाला देकर कहती हूं, इस शायर से मेरे नाजायज तो क्या किसी तरह के कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तुमने हार की घटिया कमीने और शक्की इंसान निकले। इस घर के दो दरवाजे हैं, एक से तुम चले जाओ या दूसरे से मैं चली जाऊंगी। वो फौरन मेरे कदमों में गिर गया, कहने लगा, सारा सारा मुझे माफ कर दो, सारा मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी। मैंने कहा, नहीं, तुम इन सबके सामने मुझे तलाक दे चुके हो, अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, और मैंने तुझे अपनी जिंदगी से गंदे कफ की तरह थूक दिया है। सारी सुन बैठी तमाशा देख रही थी और मैं धड़कते हुए अपने कमरे में चली आई। कुछ ही देर में पहला शायर आया, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, लेकिन मैंने उसे बाहर का दरवाजा दिखा दिया। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा शायर आया, मैंने उसका भी वही आशीर्वाद किया और फिर खूब रोए। मुझसे शादी कर लो वरना मैं खुदकुशी करूंगा। तुम खुदकुशी करो, कुएं में कूदो या जहर खाओ, मेरी बला
मुझे तुमसे बेहद नफरत है। तुमने अब तुमने मेरी जिंदगी में आग लगाई है। मैं तो खुदा से दुआ करूंगी कि वो तुम्हें कभी माफ ना करे। फिर भी ना मानो, घंटों तो मेरे फ्लैट के नीचे खड़ा रहता, शहर के मौजूद लोगों से जाकर कहता मेरी सारा से शादी करवा दीजिए, मेरी सारा से शादी करवा दीजिए। उसने तो पूरे शहर में मेरा तमाशा बना दिया, मेरा जीना हराम कर दिया। इतनी परेशान हुई कि मैंने शहर छोड़ने की सोची, खुदकुशी करनी चाहिए। एक रोज मेरी सहेली आई, मुझे कहने लगी, सारा देखो तुम्हें कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जो हुआ उसे छोड़ो। देखो तुम इतनी हसीन हो, माशाल्लाह जवान हो, तुम्हारा हुस्न ही ऐसा है कि हर कोई देखकर फिदा हो जाता है। ये जनाब भी हो गए तो भला इसमें क्या गुनाह हो गया। छोड़ो, सब भूलो, माफ करो। सोचने लगी, बेहद दिमागी मशक्कत के बाद एक रोज मैंने उन शायर जनाब को बुलाया। कहने लगे, मैं आपके किए पर बेहद शर्मिंदा हूं। आपके नुकसान की, आपकी परेशानियों की भरपाई करना चाहता हूं मोहतरमा। मैंने कहा, ठीक है, अगर आपको वाकई अपने किए का अफसोस है तो मैं भी जो कुछ हुआ उसे भूल जाती हूं। अब हमने निकाह कर लिया। शादी के अगले रोज ही सास साहिबा फरमाने लगी, आए हाय, मेरे कुआरे लड़के को फांस तो लिया, अब कब तक यूं ही नाच टीका लगाए बैठी रहोगी ना मुराद कहीं की मुई। मैंने खामोशी से नाच टीका उतार कर रख दिया। लिबास भी सादा पहन लिया। यूं भी मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं था। अब मैं तमाम घर के लोगों का खाना पकाती, कपड़े धोती और दिन भर छह नंदों और सास की चीटाकशी सुनती। वो बात बात पर मुझे जलील किया करती। सास सुबह से शाम में न जाने कितनी मर्तबा करती, तुमने तो मेरे कुंवारे लड़के को फांस लिया है, वापस करो मेरा लड़का। उस घर में पढ़ने लिखने पर भी पाबंदी थी। मैं टॉयलेट में जाकर शेर लिखा करती और शौहर साहब ने भी फरमान जारी किया था, तुम बुरके के बगैर घर से बाहर नहीं निकलोगी। इंडस्ट्रियल होम जाने आने के लिए रिक्शा मुकर्रर कर दिया गया है, उसी का इस्तेमाल करोगी। और हाँ, किसी गैर मर्द से बातचीत नहीं करोगी। और भी न जाने क्या क्या पाबंदियां लगाई गई थी। एक रोज तो शादी के एक हफ्ते बाद ही उन्होंने सास की शिकायत पर मुझ पर हाथ उठाया। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। ये क्या जहालत है, हाँ क्या जहालत है ये? तो फिर तो मुझे जमीन पर लिटा दिया और मेरे छाते के ऊपर ऐसे चढ़ बैठे और फिर मुझे मारते रहे। रोज रोज का ही सिलसिला बन गया। मैं सोचती कि कब इतनी मिन्नतें कर उनसे शादी करी थी और अब तो शौहर जनाब ऐसे बदले जैसे कोई बाल्टी खरीद लाए। बेहद परेशान हुई तो फिर मैंने एक रोज कहा, सुनिए, मैं नहीं जानती थी, सब कुछ जानते समझते हुए मुझसे निकाह करने के बाद आप मेरे साथ ऐसा सुलूक करेंगे, नहीं तो ऐसा करिए आप मुझे छोड़ दीजिए, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दीजिए। नहीं साली,
शादी से पहले तूने मुझे बड़ा जलील किया है, मैं तो तेरी खाल उधेड़ूंगा। दरवाजे पर ताला जड़ा और चले गए। उस घर में मुझ पर इतना जुल्म और तशद्दुद हुआ कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। उसकी मार से मैं खौफ सदा रहती, मर्द मुझे लूटते रहे, पांच पांच मर्द, मेरा इजहार मत करो।
लगाती और रक्स करती। पागलपन में चंप पर छोड़ते ऐसी भी थी जिनके मियाँ कमाते तो बहुत थे ना जी। हाँ, उनके खसम ऐसे थे जो बिल्कुल काम ना करते, सिर्फ बीवी से मोहब्बत करते थे। यानी बीवी तमाम जिंदगी दूसरों के घर झाड़ू चौका बर्तन करती रहती और वो उसकी कमाई पर ऐश करते। और इस तरह वो औरतें अपनी सेहत और अपना दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह खो बैठी थी। खैर, कुछ रोज बाद इंसाफ के सदके मेरी छुट्टी हुई। सलाखों का दरवाजा खोला गया, सलाखों से ताला भी खोला गया और दरवाजा भी, और फिर मुझे मिली आजादी। पागल खाने से जाते हुए मैं तमाम औरतों को देखती और सोचती कि सारा, अब तो तुम जा रही हो छोटे पागल खाने से बड़े पागल खाने में। पागल खाने से आए थे मुझे चंद ही रोज हुए। एक रोज अम्मी ने कहा, सारा बिटिया, डॉक्टर सोमरो कह रहे थे अगर तुम्हारी शादी कर दी जाए, तुम्हारे घर बच्चे हो तो तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी बेटी, यही तुम्हारा इलाज है। हाँ अम्मी, शादी? नहीं 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 अम्मी, मुझे तो अपने आंचल के साए में ही रहने दो। नहीं बेटा, तू जवान है, देख मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं और कहते हैं तेरी बेटी न जाने कहाँ जाती है, सड़कों पर घूमती है, न जाने कहाँ से आती है। बेटी, मैं ऐसी बातों से बहुत परेशान हो जाती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बच्ची। और अभी रोने लगी। एक रोज मैं और अम्मी छत पर बैठे धूप ताप रहे थे। मैंने देखा अम्मी मुझे चुपके चुपके से देखती है, आंखें भरती है और रोती जाती है। मुझसे अम्मी की ये हालत देखी न जाती। मैंने कहा अम्मी, अगर मैं आपका कहा मान लूं तो बेटा फिर तो मेरी सारी बीमारी जाती रहेगी, मैं बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी बच्ची। और देख, मेरा कहना मान ले, तू जवान है, चूड़ियों के कहे कहे में शामिल हो जा, मुझे जिल्लतों से बचा ले बेटा, मेरी बालों की सफेदी का कुछ तो ख्याल कर। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो। हालांकि मैं जाऊँ कह कहा लगाने से बाज नहीं आती। अम्मी ने जो लड़का मेरे लिए पसंद किया था वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, यहाँ की बदसूरत उम्र ज्यादा लेकिन बहुत पैसे वाला जागीर था। अम्मी का कहना था, पहले ही इतने पढ़े लिखों ने तुम्हें गांवों के सिवा दिया भी क्या है। देखो सारा, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, यही ठीक रहेगा। सारे मोहल्ले में बड़ी खुशी से अम्मी ने दावत दी और अब तुम हमारी इज्जत हो, हमारी बीवी और एक लखपति जागीरदार घराने की बहू। हाँ, आराम से रहो, यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, घर में रहो, आराम से रहो, खूब घी दूध असली घी मक्खन खाओ और अपनी सेहत बनाओ। और हाँ, हर वक्त जेवर पहनकर रहा करो, इसी से इज्जत होती है। मैं भारी भरकम जेवर और इसके साथ ही भारी भारी कपड़ों में लदी हुई माटी की मूरत बन बैठा करती।
पढ़ने लिखने का वहां कोई रिवाज था नहीं, ना ही कहीं आने जाने का दस्तूर। किसी भी शायर अदीब से बातचीत बंद, अखबारों में लिखना बंद, मुशायरों में जाना बंद। और हर वक्त यही कहा जाता, औरत की निजात बिस्तर से रोटी तक। खैर वक्त गुजरता रहा, लेकिन एक रोज मुझे वहशत का दौरा पड़ा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी दवाइयां बंद थी। मैंने इनसे कहा, शौहरे आजम, अरे जागीरदार साहब सुनिए, आज मेरी तबीयत काफी खराब है, मुझे बेहद दर्द हो रहा है, ऐसा कीजिए आप मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाइए। डॉक्टर का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। हाँ, हाल कह के हकीम साहब से दवा मंगवा लो। किसी तरह दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करती थी। काफी देर आंगन में टहलती रही। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने पड़ोस के एक बच्चे को बुलाया और उसे ले डॉक्टर के यहां चली गई। दवाई लाई और खाकर सो गई। सुबह कब हुई मुझे तो पता ही नहीं चला, बड़ी देर तक सोती रही। मेरी हालत देखकर जागीरदार साहब बोले, क्या तुम नशा करती हो? मैं तो सोच भी नहीं सकता था मेरी बीवी नशेबाज होगी, इतनी घटिया। अरे नहीं नहीं, ये तो डॉक्टर की पर्ची देखिए, आप देखिए डॉक्टर ने दवा लिख के दी है। क्या डॉक्टर के यहाँ गई थी? तेरी ये जुर्रत साली, इस घर में रहना है तो मेरे कहे मुताबिक चल, वरना तेरे दोनों हाथ काट डालूंगा जिससे तू लिखती है और सारी दुनिया को बेवकूफ बनाती है। अब वो पागलों की तरह मेरी किताबें फाड़ने लगा, इधर उधर कागज फेंकने लगा। मैं तो सहम गई। मैंने कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, अपना रवैया दुरुस्त कीजिए। सारी पौड़ी की शायरा, तेरा इल्म तुझे दो रोटी नहीं दे सकता और मुझसे ज़बान ग़रासी करती है, ये ले साली, तलाक तलाक तलाक। मेरे दिमाग पर असर हो जाता है ना,
मेरे बड़े भाई जान आए। जिस मकान में मैं और अम्मी रहा करते थे वो मकान अम्मी के नाम था। बड़े भाईजान ने कहा ये मकान छोटे भाई खालिद और सारा के नाम कर दिया जाए। अरे मुझे इसकी दरकार नहीं, मैं इतने बड़े घर का क्या करूंगी। ये मकान आप खालिद को ही दे दीजिए, मैं तो कहीं भी यही कोठरी में रह लूंगी। मैंने बड़े भाईजान से कहा। उस रोज अम्मी का 21वां था, सारा खानदान जमा था। मेरा बहनोई आया, हाथ में अखबार लिए। उसने मुझे वो अखबार पढ़ने को कहा। सारा शगुफ्ता की चौकी तरफ हुई और उसकी वालदा ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। हल्के बालों का कहना है कि किसी सदमे से उनका इंतकाल हो गया। मैंने अखबार मेज पर रख दिया। एक एक करके वो अखबार सारे खानदान को पढ़ाया गया। मेरे भाई खालिद मुझसे कहने लगा, सारा तुमने तो पूरे खानदान को रुसवा कर रखा है। अरे हमारे टोपियों को तो देखो, उसको तो तुमने अखबारों की सुर्खियां बना रखा है। अब हम और तुम साथ साथ नहीं रह सकते। नहीं, गली मोहल्लों से गुजरना मुश्किल हो गया है। जहां से गुजरते हैं लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अम्मी की तो कोई और बात थी, अब तुम हमारा क्या लिहाज करो। अब तुम्हें तो वैसे ही पागल बन के दौरे पड़ते हैं। बेहतर यही होगा, या तो तुम इस घर से चली जाओ या हम चले जाते हैं। लिखती हूँ या टूटी दस्तकें झोली में भरती हूँ।
ये थे सलीम अहमद साहब, बड़े ही एहसासमंद शायर और आला इंसान। इल्म ही उनका दरस था और इल्म ही उनका मजहब। तमाम उम्र उन्होंने इल्म की बेलौस खिदमत की। नई नस्ल को अपनी तहरीरों से उन्होंने जो शऊर दिया है उसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सलीम साहब ने मुझे उस वक्त से बेटी जाना जब मैं लफ्ज लफ्ज भी ना थी। जब भी बीमार होती वो मेरे मिजाज कुर्सी को अस्पताल में जरूर आते और मैं अक्सर महफिलों में होने वाली जुमलेबाजी का उनसे जिक्र किया करती। सारत बलीद लफ्ज लिखती है, एक शायर जनाब ने कहा, इसीलिए तो उसकी शहरत है। मर्द उसका कलाम सुनने से ज्यादा उसकी सूरत देखते हैं और दाद देते हैं। एक दूसरी नशिस्त में कहा गया, सारा अपने दुपट्टे में, अपने पहनावे में और अपनी शायरी में तमीज पैदा कर। सारा तो आसान शिकार है, नहीं मैं तो बहन कह चुका, अब तुम निपटो। अरे मैं सलीम साहब से कहती, मैं क्या जानू तमीज और जमीर किसे कहते, मैं तो बेजमीरी लिखती हूँ। कलम की नोक को दिल में डुबोती हूँ और लाशऊर लिखती हूँ। सलीम साहब बड़ी ही शफकत से मेरे सर पे हाथ फेरा करते, मेरी हौसला अफजाई करते और कहते, बेटी ये खुला आसमान तुम्हारी छत है, इन इल्जाम तराशों की बिल्कुल परवाह मत कर। तू कलमकार है, अपना काम करती रहे, ये अदना लोग तेरी कलम के बारे में क्या समझेंगे।
जो पुरसार में हाल हो, कोई तो होता जो सारा के बदन को नहीं दिल को खुशामदीद कहता। औरत को क्या चाहिए, बस प्यार के दो लफ्ज। ये दो लफ्ज मिले तो फिर मर्द तो उसके हर पोर में होता है, मर्द तो उसके हर पोर में होता है। अम्मी कहती थी कांटों पर ही मौसम आते हैं, मेरी जिंदगी में भी आया। और खुदा ने ये नायाब तोहफा सईद अहमद के तौर पर बख्शा। सईद की बेपनाह मोहब्बत का शुक्रिया अदा कर रेल की पटरी पर जाकर लेट गई और जिंदगी अलविदा कहा।
किताबों के उन पन्नों में जहां से मैं आई हूं आप सबसे लौटने की इजाजत चाहती हूं। मेरे लफ्जों को सोने न देना।